Subscribe to One India channel and never miss an update. सर भाई थैंक यू फॉर योर टाइम. मैं हूँ अविनाश वन इंडिया न्यूज़ से और mykhel.com से. और आप इंडिया लेजेंड्स के टीम के साथ फिजियो एज अ फिजियो आप जुड़े हुए हैं, तो पहले तो आपसे आप एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक इस लेजेंडरी टीम के साथ काम करने का? देखिए हर गुजरता हुआ लम्हा एक यादगार है और ये ड्रेसिंग रूम के जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप में एक हस्ती हैं जो दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी. ये टूर्नामेंट अगर दोबारा होता है तो ये लेजेंड्स एक सितारे एक जगह जमा होते हैं, तो जो यादगार लम्हे आप दोबारा से नहीं पैदा कर सकते वो हमेशा से ही एक, एक, एक सपना होता है. तो इससे ज्यादा मैं क्या करूँ कि आप तेंदुलकर को देख रहे हैं जिनको देख के आप बड़े हुए हैं जी, और वो बल्ले दोबारा कब उठाएंगे और कब वो बैटिंग करेंगे. अच्छा सैफ भाई कैसा लगा इस टाइम इनसे काम करते हुए, इन लेजेंड्स को, क्योंकि हमने देखा इनको काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, प्रोफेशनली बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, तो आप इनको फिट कैसे रखते हैं या ये क्या खुद भी इतने ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं मुझे करते रहना है? देखिए फिटनेस का तो क्योंकि ये इतना ज्यादा दिनों से खेल रहे हैं, 25 साल हो गए खेलते हुए, इनको खुद ही मालूम होता है कि कैसे अपने आप को फिट रखना है. आप इनकी मदद बस इस एंड तक कर सकते हैं कि जो चीजें वो खुद रिलीज नहीं कर सकते वो आपको उनको हिंदी में कहूँ तो खोल के देनी पड़ती है कि वो फ्री रहे जॉइंट, कहीं कोई मसल पुल हो गया या हाथ में चोट लग गई या कुछ छिल गया, उसमें आप उनका असिस्टेंट करते हैं. अच्छे और बुरे थेरेपिस्ट तो मैं कहूँगा जितने हैं सब अच्छे ही हैं, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से मैंने आईपीएल में भी काम किया है तो आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप रोकेगी नहीं, इंजरी बस यहीं तक है आगे ठीक रहेगा. इन प्लेयर्स में आपको जो प्लेयर्स सारे के सारे हैं और हर कोई डेडिकेटेड है, लेकिन किसकी कमिटमेंट लेवल आज भी वो पुराने लेवल जैसे ही है, क्योंकि आपने बताया कि आप आईपीएल में भी आप टीम्स के साथ रह चुके हैं, तो कौन है इनमें से सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और सबसे ज्यादा कमिटेड? देखिए 100% जो गेम की बात करते हैं और हर वक्त गेम में ही रहते हैं वो तेंदुलकर हैं जी, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. फॉलोड बाय वीरू भाई, युवराज सिंह, दे आर ऑलवेज इन द गेम, वो सिर्फ गेम की बात करते हैं, सोते भी गेम में ही है वो. तो मैं ज्यादा बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट कमरे में भी बैड होता है और वो कुछ लोग हेलमेट भी साथ रख के सोते हैं. सो अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि जितनों को देख रहा हूँ सब अपने आप में मशगूल हैं, बट ये लोग जो है ना ये कुछ ज्यादा ही डूबे हुए हैं. ओके अच्छा आप थोड़ा सा अपना आईपीएल का जर्नी भी शेयर कीजिए और वहां से आईपीएल से में आपकी शुरुआत कैसे हुई, एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा उसके बारे में. 2010 में जामिया हमदर्द से पास आउट हूँ. जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की पहली मास्टर्स ऑफरिंग यूनिवर्सिटी थी, मैंने गोल्ड मेडल लिया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे मेरा कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल दिया, विच वॉज अ ड्रीम. उसके बाद मुझे चेतन चौहान जी डीडीसी लेकर आए और क्योंकि वीरू भाई डीडीसी का पार्ट था वो मुझे आईपीएल में ले गए और फिर मुझे मेरे दोस्त रैना गुजरात लायंस में, भूवी सनराइजर हैदराबाद में और बाज लोग युवराज सिंह जी टी ट्वेंटी कैनेडा अबू धाबी और फिर वीरू भाई यहाँ ले गए. तो सिलसिला जो है वो दरपेश है और जो लोग मेरे काम को जानते हैं वो एक के बाद उसे टूर्नामेंट में मुझको काम करने का मौका देते हैं. शुरुआत मैं बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली से हूँ, मेरे पिताजी जो है वो रायबरेली से हैं, माता मेरी मुजफ्फरनगर से हैं, तो मेरी परवरिश दिल्ली में ही हुई और क्योंकि रूट जुड़े हुए हैं यूपी से तो मेरा आना जाना रहता ही है, तो बस ये सिलसिला दरपेश है. ओके तो अभी जैसे इन लेजेंड्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम में रहते हैं और इनके लिए काम करते हैं, तो इनकी तरफ से जो प्रेज मिलती है या ये जब एक्नॉलेज करते हैं तो कोई पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट्स हो जो आप हमारे साथ वन इंडिया के व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकें? देखिए हम तो पर्दे के पीछे गए ही कारीगर हैं और कारीगरों की अच्छी जो जरा नवाजी होती है वही होती है कि इंसान उसके कपड़े देख के अगर दर्जी ने सिलाई के साथ ये कहां से सिलवाया है जी हाँ, तो जब युवराज सिंह छक्के मारने के बाद अंगूठा ऊपर करते हैं तो मुझे मालूम है वो किसके लिए कर रहे हैं. ओके मतलब मेरे लिए तो मेरा दिन बन गया जी, तो मेरी माँ की दुआएं और बाकी आप लोगों का प्यार जो है वो जो छक्के मारते होते हैं तो मैं भी उनके साथ बोल रहा होता हूँ हवा में. तो ये सब चीजें जो होती हैं ये थोड़ा सा मतलब एक ऐसे अप्रिसिएशन होता है जो आपके हाथ से निकला उसके दिल तक गया, उसके दिल से निकला और आपके दिल में आया. ओके तो ये बियॉन्ड कंपैरिजन है और इसीलिए शायद हम अपने कदरदान यहाँ ढूंढते हैं जी. आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे युवराज सिंह की, तो और उनका जो गोल्फ के लिए जो एक नया प्यार जागृत हुआ है उस पे आप बताइए कि कैसे आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, उनको रोकना पड़ता है कि ज्यादा गोल्फ में इन्वॉल्व ना रहे एक बार ये रोड सेफ्टी सीरीज खत्म हो जाए. बट मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि देखिए लैटरल थिंकिंग प्रोसेस एक चीज होती है आपके ब्रेन में वो बहुत जरूरी है,
एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, स्टीव जॉब जो थे उनको कैलीग्राफी का बहुत शौक था, जब एप्पल से निकाले गए और उन्होंने पिक्सल करके एक अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो उन्होंने उस कैलीग्राफी को कॉपीराइट कराया माइक्रोसॉफ्ट से, और आज की तारीख में उससे दोबारा जो उन्होंने एप्पल में रिटर्न किया वो अनबिलीवेबल है। सेम काम रजनीकंदा के ओनर साहब राजकुमार जी हैं, उन्होंने वो उनकी सुगंध की दुकान थी, इत्र की दुकान थी, वो इत्र का जो अपना महारत थी उन्होंने रजनीकंदा सुपारी में दिया, जो फ्लेवर उसमें आता है वो कुछ, तो ऐसे ही कुछ लोग बॉल से कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिकॉज वो बॉल कितना दूर जाएगी, कितना पास जाएगी, एक्यूरेसी क्या है। तो आप देखिए युवराज सिंह जैसे गोल्फ में अच्छे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे छक्के मारने की एबिलिटी उम्र के साथ गिरनी नहीं पड़ रही है जी, बट एक्साइटेड होने के बाद अगर ज्यादा ना खेल रहे हैं उसके लिए फिर हमको थोड़ा इंटरनिंग करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि देखिए कल मैच है 18 इंडिया 9 खेल लीजिएगा, उसी में घटना चल रही है बाकी सब ठीक है। ओके अच्छा, बॉलर्स को फिट रखने के लिए क्या करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादातर अगर जो बॉलर्स देखे तो काफी लंबे समय से, अगर मैं बात ना करूं आर विनय कुमार की बात ना करूं, ये अभी रिसेंटली रिटायर्ड हैं और लास्ट ईयर तक ये डोमेस्टिक खेल रहे थे, लेकिन इसके अलावा अगर आप मुनाफ की बात करें, इरफान की बात करें, हाँ वो भी खेल रहे थे लेकिन अप्स एंड डाउन्स था उनका। देखिए बॉलर्स वेटरन्स हैं, लेजेंड्स हैं, रिटायर हुए हैं तो ज्यादा मेरे करने के लिए कुछ काम नहीं है, बट गाइडेंस यही होती है कि कूल सेशन बहुत जरूरी है रिकवरी के लिए, दूसरा खाने में जो चीजें खाने, कार्ब्स कम प्रोटीन ज्यादा रिकवरी के लिए, मैच से पहले कार्ब्स ज्यादा, और देखना पड़ता है कि ग्राउंड कहीं अनइवन तो नहीं, तो मैं खुद भाग के देख लेता हूँ ग्राउंड पे इकट्ठा है, कहीं अनइवन है, ग्राउंड हल्का है भारी है, तो मैं उनको पहले से आगाह कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ग्राउंड है, आपके हैमस्ट्रिंग फंसेगा, एक्सरसाइज पहले करके जाइए, तो हमको पहले ही काम करने पड़ते हैं ताकि ग्राउंड हो जाए।